आज बनाएंगे हम कचौड़ी। कचौड़ी में नमक मिर्च अपने अनुसार गिरो, उसमें गिरेंगे हम प्याज, इसमें गिरेंगे लहसुन, इसमें गिरेंगे फिर धनिया, इसे मिक्स इसको उसकी चटनी बना लेते हैं। इसमें गिरेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, उसकी पिट्ठी बनाएंगे। जो आपको मसाला पसंद है वो आप अपने अनुसार गिर सकते हैं। हाँ, हमने पिट्ठी रेडी कर दी है, अब हम आटा मानेंगे। अब हम रिफाइंड गिरेंगे अपना अनुसार, आप पसंद जिसमें आपको पसंद है, तेल में है घी में, आप उसमें आप कचौड़ी को बना सकते हैं। हमें लेते हैं आटा लोई बनाने के लिए, हम लोई को बनाने लगते हैं अपने अनुसार। हम इसमें आलू की जो पिट्ठी भरी देते हैं इसको, या इसे हमने कचौड़ी को बेल लिया है। अब थोड़ा सा इसको ऐसे आटा गिर के चेक करेंगे, रिफाइंड गरम हुआ नहीं हुआ। हो चुका है रिफाइंड गरम, और अपनी कचौड़ी को गेर देंगे धीमी आंच, मीडियम आंच करेंगे, गैस को करेंगे जो खस्ता कचौड़ी बने। ऐसे करना थोड़ा रिफाइंड गिरना इसके ऊपर जो हल्की सी फूले, आंच को मंदी रखना। हमारी कचौड़ी बस एक मिनट में, एक मिनट भी नहीं लगेगा, रेडी होने वाली है। देखो नहीं कहीं से फटी है, नहीं कहीं से कुछ हुआ, ऐसे ऐसे करते रहना, बस आपकी कचौड़ी अच्छी बनेगी। और नहीं कहीं से हमारी कचौड़ी रेडी हो चुकी है। हम इसको निकाल देंगे। देखो दोस्तों कितने खस्ता कचौड़ी है, आवाज भी आ रही है आपको। देखो दोस्तों क्या कचौड़ी बनी है, वाह।